हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे ई टैब्स में सेलेक्ट टूल के बारे में, जो लास्ट क्लास में मैं आपको करा चुका हूँ। तो इसको ध्यान से, इस वीडियो को एक दो बार देख लेना और समझ लेना। तो सबसे पहले हमें सेलेक्ट टूल जानने के लिए एक मॉडल चाहिए हमें। तो हम क्या क्या डिफ़ॉल्ट जो प्रॉपर्टी है यूएस की यूनिट सेंस में हम ले लेते हैं और यहाँ पर कुछ स्टोरेज हाइट बढ़ा देते हैं। ओके, अब ये देखिए हमारे पास एक ग्रिड आ चुकी है। ऑल स्टोरेज करके हम फटाफट कॉलम ड्रॉ कर देते हैं, जो भी डिफ़ॉल्ट उसकी प्रॉपर्टी हो लेके। उसी तरह से हम बीम भी ड्रॉ कर देते हैं। तो हमारे पास एक मल्टी स्टोरी मॉडल आ चुका है। अब इसमें हम सेलेक्ट टूल को कैसे यूज़ करते हैं वो सीखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें सेलेक्ट टूल में जो सबसे फर्स्ट ऑप्शन है वो है पॉइंटर विंडो, यानी कि जो आपका नॉर्मल कर्सर है। इस कर्सर में क्या है, क्या है, आपको किसी पे भी क्लिक करोगे, किसी भी बीम कॉलम या फ्लोर किसी भी एलिमेंट पे क्लिक करोगे वो सेलेक्ट हो जाएगा इजीली। उसमें कंट्रोल बटन को प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती, आप क्लिक करते जाइए, जितने चाहे एलिमेंट क्लिक कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें अगर हम माउस को राइट से लेफ़्ट की ओर ड्रैग करते हैं तो क्या होता है, और लेफ़्ट से राइट की ओर ड्रैग करते हैं तब क्या होता है। जब हम राइट से लेफ़्ट की ओर ड्रैग करते हैं माउस को, तो उसके अंदर जो भी फुल एलिमेंट आ रहे हैं, जो भी एलिमेंट टच हो रहा है वो सिलेक्ट हो जाएगा। देखो, ये मैं इसको रोक देता हूँ यहाँ पे। ये मैंने जब राइट से लेफ़्ट की ओर माउस को ड्रैग किया, तो जो ड्रैग एरिया है उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स टच हो रहे हैं हमारे स्ट्रक्चर के, वो सब सिलेक्ट हो जाएंगे। ये देखिए, अभी आधे आधे एलिमेंट हैं तब भी ये फुल एलिमेंट्स हमारे सिलेक्ट हो जाएंगे यहाँ तक। ये देखिए सिलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। ये देखिए, इसी तरह से जब हम लेफ़्ट से राइट की ओर जाते हैं तब ये नहीं होता। तब क्या होता है, जो एलिमेंट्स स्ट्रक्चर के उस ड्रैग एरिया में कम्प्लीटली आ रहे होंगे वही हमारे सिलेक्ट होंगे। अब देखिए, यहाँ पे हमारे कुछ बीम आ रहे हैं तो ये सिलेक्ट नहीं होंगे, केवल कॉलम सिलेक्ट होगा क्योंकि कॉलम फुल आ रहा है। दोबारा करके देखते हैं, हमने ड्रैग किया, देखिए कॉलम 3D व्यू में देख सकते हैं आप, कॉलम पूरा सिलेक्ट हो चुका है। तो यही ऑप्शन सेम एज आपका ऑटो कैड में भी काम करते हैं, कि एक साइड से आप लेफ्ट से राइट जाओगे, राइट से लेफ्ट, तो सिलेक्टिंग टूल अलग अलग तरीके से काम करता है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टूल में। सिलेक्ट के बाद है पॉली, पॉली मीन्स पॉलीगन। इस पे क्लिक करने के बाद आपको बस क्लिक करना है, और क्लिक करते हैं माउस मूव करेंगे तो एक पॉलीगन बनेगा, और पॉलीगन के अंदर जो भी स्ट्रक्चर कम्प्लीटली आ रहा होगा, स्ट्रक्चर के एलिमेंट जो भी कम्प्लीटली आ रहा होगा वही सिलेक्ट होगा। जो टच हो रहे हैं, हाफ आ रहे हैं, वो नहीं होगा। दोबारा से आप देखिए इसको, ये पॉलीगन है जो मैंने क्लिक करके बनाया है, तभी बनता है जो सिलेक्ट टूल में पॉली पर एक बार क्लिक कर दोगे। इसके अंदर देखिए, ये बीम पूरा आ रहा है, ये बीम पूरा आ रहा है, तो ये दो बीम तो हमारे सेलेक्ट हो जाएंगे, उसके अलावा कोई भी चीज़ सेलेक्ट नहीं होगी। डबल क्लिक करके इसे फिनिश करते हैं, देखिए सेलेक्ट हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद हम सेलेक्ट में जाएंगे, उसके बाद है अच्छा, दोबारा से हम पॉली एक बार देख लेते हैं। देखिए, इसमें कोई भी एलिमेंट पूरा नहीं आ रहा, तो सेलेक्ट नहीं हुआ। तो नेक्स्ट है हमारे पास, सेलेक्ट में जाएंगे, वो है हमारा इंटरसेक्टिंग पॉली। इंटरसेक्टिंग पॉलिंग में क्या है कि इंटरसेक्ट भी हो रहा होगा और पॉलीगन में, तो भी हमारा स्ट्रक्चर सिलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, पॉली में हम जाएंगे, इंटरसेक्टिंग पॉली, इस पर क्लिक करते हैं, और उसके बाद दोबारा सेम एज हम पॉली की तरह पॉलीगन बनाएंगे, तो इसके अंदर कोई भी एलिमेंट टच भी हो रहा होगा तो भी वो सिलेक्ट हो जाएगा। ये पॉलीगन बना दिया सिंपल क्लिक करके। अब देखिए, इसके अंदर जो भी मेंबर टच हो रहा है, ये मेंबर टच हो रहा है, पूरा आ रहा है, ये थोड़ा सा टच हो रहा है, ये पूरा आ रहा है, ये टच हो रहा है, तो ये सारे मेंबर सिलेक्ट हो जाएंगे। डबल क्लिक करके फिनिश करेंगे, देखिए सब सिलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग पॉलीगन आप समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, एक बार और इंटरसेक्टिंग पॉलीगन देख लेते हैं, सॉरी इंटरसेक्टिंग लाइन है नेक्स्ट टूल। इसमें क्या है, आपको सिलेक्ट करने, वो टूल लेने के बाद इंटरसेक्ट लाइन दो क्लिक करने हैं, एक क्लिक किया माउस को मूव किया, दूसरा क्लिक किया। तो इस इंटरसेक्ट लाइन में जो जो चीज़
टच हो रही होंगी वो सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए जो जो मैं रेड कर रहा हूँ ये सब टच हो रहा है इस लाइन में, तो ये सब सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए ये सब सिलेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट हम सिलेक्ट में जाते हैं, इसके बाद है हमारा कोऑर्डिनेट्स। ये समझने के लिए सबसे पहले कोऑर्डिनेट समझते हैं। जैसे कि ये जो हमारा प्लान में व्यू है, ये इसका प्लान का व्यू का प्लेन क्या है, एक्स एंड वाई। ठीक है, ये पूरा क्या है हमारा एक्स वाई प्लेन। इसी तरह अगर इधर देखें तो ये एक्स है और ये जेड है, तो ये प्लान हमारा कैसा हो गया, एक्स और जेड। अगर इधर देखें हम तो ये वाई और जेड में आता है, वाई और जेड में, तो इसको बोलेंगे हम वाई जेड प्लेन। ठीक है, तो प्लेन आप समझ चुके होंगे। अब तो हमें सेलेक्ट टूल में जाना है, सेलेक्ट में क्लिक करना है कोऑर्डिनेट, और सबसे पहला कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। इसका मतलब है कि एक्स वाई प्लेन में अगर किसी जॉइंट पे क्लिक करोगे तो वो पूरा प्लेन सेलेक्ट हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ एक जॉइंट पे क्लिक करूँगा, ये क्योंकि हमारे एक्स वाई प्लेन है, इस जॉइंट पर क्लिक किया मैंने, वन स्टोरी कर लेते हैं। ये देखिए पूरा हमारा प्लान जो है एक्स और वाई वाला सिलेक्ट हो गया केवल एक जॉइंट पे क्लिक करने से। ठीक है, सिलेक्ट कोऑर्डिनेट्स। अब हम अगर एक्स जेड करते हैं तो देखिए अगर मैं यहाँ पे किसी जॉइंट पे क्लिक करता हूँ तो ये वाला जो प्लान है पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। तो मैं सिलेक्ट ये इस जॉइंट पे क्लिक किया, देखिए पूरा प्लान सिलेक्ट हो चुका है एक्स और जेड वाला। तो ये भी सिंपल था। उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्ट टाइप। तो ऑब्जेक्ट जैसे कि बीम, कॉलम, स्लैब, वॉल, ये सब ऑब्जेक्ट हैं। लिंक है आपका, ठीक है, टेंडन है, तो ये सब ऑब्जेक्ट है। मान लिया आप बीम पे क्लिक करते हैं तो सारे बीम सेलेक्ट हो जाएंगे, कॉलम पे क्लिक करते हो कॉलम सेलेक्ट हो जाएंगे, इसी तरह जो भी ऑब्जेक्ट है उस पर क्लिक करोगे वो सेलेक्ट हो जाएगा इस टूल में ऑब्जेक्ट टाइप में। अभी तक केवल हमने कॉलम, जॉइंट्स, बीम, वॉल और फ्लोर, ये हमने पांच ऑब्जेक्ट सीखे हैं। तो पांच में से किसी पे भी क्लिक करोगे अगर वो अवेलेबल है व्यू विंडो में तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी। हर चीज़ को हम प्रॉपर्टी देते हैं, कॉलम को क्रॉस सेक्शन देते हैं, मटेरियल भी देते हैं, बीम को भी देते हैं। मान लीजिए आपने तीन चार मटेरियल लिए हुए, M25, M35, M35 आपने बीम को दिया है, M25 कॉलम को। तो M35 पे क्लिक करेंगे तो आप जो M35 वाले एलिमेंट्स हैं वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे बाय मटेरियल। ठीक है, जैसे बीम को दिया है M30 और कॉलम को दिया है M25, तो 25 पे क्लिक करेंगे तो 25 वाले कॉलम सारे सेलेक्ट हो जाएंगे मटेरियल टाइप में। मान लीजिए आपके किसी स्ट्रक्चर में स्टील भी यूज़ हो रहा है, स्टील की कोई जैसे कि स्टील का कोई एक कॉलम यूज़ हो रहा है पूरी बिल्डिंग में, तो आपको यहाँ मटेरियल में स्टील पे क्लिक करेंगे तो कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से आप है लेबल, इसमें ई टैब में नहीं, हर सॉफ्टवेयर में हर एलिमेंट्स को एक आईडी दी होती है, जैसे बीम को B1 B2, तो लेबल सेंस से बीम के बीम नंबर्स आगे जो यहाँ पे हैं हमारे इस बिल्डिंग में, तो आप किसी नंबर पे हम क्लिक करेंगे B5 पे तो B5 बीम, B6 बीम, ऐसे आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आता है ग्रुप। तो ग्रुप से बाय ग्रुप सेलेक्ट करने के लिए पहले ग्रुप बनाना होगा। ठीक है, हम एक बिल्डिंग के अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग ग्रुप का नाम दे के बना सकते हैं, फिर ग्रुप बाय ग्रुप से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए हमने टॉप फ्लोर सेलेक्ट किया और डिफाइन में जाके ग्रुप डेफिनेशन में जाके एक ग्रुप बनाया जिसका टाइटल डाला अपर, क्योंकि अपर फ्लोर है। इस तरह आप लोअर फ्लोर, सेकंड फ्लोर ऐसे से करके डाल सकते हो। यहाँ पे अपर डाल दिया, ओके कर दिया। अब हम गए असाइन में और इस जो ऊपर सेलेक्ट है फर्स्ट फ्लोर टॉप फ्लोर, इसको असाइन कर दिया किसको, अपर ग्रुप को, ओके कर दिया। अब हमारे पास एक ग्रुप बन चुका है अपर। अगर हम ग्रुप बाय ग्रुप सेलेक्ट करते हैं, अपर पे क्लिक करेंगे तो क्या सेलेक्ट हो जाएगा, टेरेस। ठीक है, तो इस तरह आप पूरी बिल्डिंग में किसी भी चीज़ का ग्रुप बना सकते हो। नेक्स्ट सेलेक्ट में अगर आप जाते हो तो आपका आता है स्टोरेज, बाय स्टोरेज से यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा जो भी स्टोरेज आपको सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आता है आपका ऑल, ऑल से फुल स्ट्रक्चर आपका सेलेक्ट हो जाएगा। फिर सेलेक्ट में नीचे आता है डी सेलेक्ट, सेम ऑप्शन है आपके जो सेलेक्ट में थे, भाई इसमें क्या होगा, अनसेलेक्ट होगा। मान लें पूरा स्ट्रक्चर सेलेक्ट है तो वही ऑप्शन यूज़ करके अनसेलेक्ट। उसके बाद है इन्वर्ट सिलेक्शन। मान लीजिए देखिए एक बीम मैंने सेलेक्ट किया है, इन्वर्ट क्या होगा, इस बीम को छोड़ के पूरा स्ट्रक्चर सेलेक्ट। अब हम सेलेक्ट में जाएंगे और क्लिक करेंगे इन्वर्ट, देखिए पूरा स्ट्रक्चर सेलेक्ट हो गया केवल उस बीम को छोड़ के। इसी तरह है आपका है प्रीवियस। प्रीवियस क्या था, एक बीम सेलेक्ट था तो प्रीवियस सिलेक्शन आ गया हमारा। अब क्लियर में ऑल क्लियर। तो ये था आपका सेलेक्ट टूल जो कंप्लीट हो चुका है।
इस वीडियो को देख लीजिएगा और रिवाइज़ कर लीजिएगा, दोबारा बताने की ज़रूरत ना पड़े मुझे क्लास में। थैंक यू।